तो मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्मॉल केस के ऊपर रीबैलेंस अपडेट क्या होता है, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीबैलेंस अपडेट की जो डेट है वो किस तरह से फाइंड की जाती है। क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जो सर जो रीबैलेंस होता है वो कब होना होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में बताइए, प्लस उसकी डेट भी कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने स्मॉल केस स्टार्ट करना शुरू किया था, यूज़ करना शुरू किया था, तब मैं खुद भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ था और मुझे भी कई बार यहाँ पर डेट्स वगैरह नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप डेट ढूंढ सकते हैं, प्लस रीबैलेंस के जो अपडेट्स वो आपको कैसे मिलेंगे, कहां पे आएंगे, फिर क्या एक्शन लेना है आपको, सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी अगर आप फ्रेश स्मॉल केस सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं, आपको पता लगाना है कि वो लास्ट टाइम कब रीबैलेंस हुआ था। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए चाहे वो फ्री वाला हो चाहे वो प्रीमियम वाला हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं प्रीमियम वाले की बात कर लेता हूँ, जैसे हाई क्वालिटी राइट प्राइस। तो गाइस इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जैसे मैं स्टॉक ऑन वीडियोज के ऊपर जाऊंगा, चाहे मैं लॉगिन भी करूंगा फिर भी मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप गाइस मुझे इसके स्टॉक्स नहीं देख ले, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये जानना है कि लास्ट टाइम ये कब रिव्यू हुआ था और ये कब वापस रीबैलेंस होने वाला है। तो देखिए गाइस, अगर आप मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो आपको नीचे नीचे दिख जाएगा कि रीबैलेंस क्वार्टरली बेसिस पे होता है, लेकिन लास्ट किस डेट को हुआ था उसको जानने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे फैक्ट शीट यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। गाइस फैक्ट शीट के अंदर क्या होता है, आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें दिख रही है वही इन सभी की यहाँ पे समरी होती है, पूरा डिटेल एक रिव्यू करके इस स्मॉल केस के बारे में बताया हुआ होता है। तो गाइस थोड़ा सा आप नीचे से जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और इंपॉर्टेंट फीस देखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 से ये स्मॉल केस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, लॉन्च डेट देख सकते हैं 20 मार्च 2020 को यहाँ पे लॉन्च हुआ था स्मॉल केस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लास्ट रिव्यू आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2021 को और नेक्स्ट रिव्यू देख सकते हैं 9 नवंबर 2021 को। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपने पहले देख लिया वहां पे मेथोडोलॉजी में कि क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होता है, तो आप देख सकते हैं अगस्त के बाद में या नवंबर में सीधा रीबैलेंस होगा। तो गाइस यहां से आप जो भी स्मॉल केस सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसकी जो फ्रेशनेस होती है उसको यहां पे आप जान सकते हैं कि लास्ट रिसेंटली कब यहां पे इसके जो एडवाइजर है कब यहां पे इन्होंने यहां पे रिव्यू किया था, कुछ चेंजेस किया होगा ऑब्वियसली है। तो आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो लास्ट रिव्यू डेट होती है उसके बाद ही आपको आगे पीछे थोड़ा सा यहां पे सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेशनेस है स्मॉल केस की वो यहां पे बनी रहनी चाहिए। सेकंड थिंग गाइस, यहां पे आपको ये भी देखना है कि कई लोग मान लीजिए अगर ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते तो मार्केट कैप जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमेशा जो आपका लार्ज कैप का जो प्रोपोर्शनेट है वो आपका हमेशा थोड़ा सा इंक्रीमेंटल होना चाहिए। अगर आप ज्यादा स्मॉल कैप वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा हाई रिटर्न होगा उतना ही ज्यादा आपका हाई रिस्क भी होगा। तो गाइस आप बात करते हैं कि आखिर जैसे रीबैलेंस जब भी एडवाइजर मान लीजिए आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, अब एडवाइजर कह रहा है कि आपको रीबैलेंस करने के लिए, तो आपको अपडेट कैसे मिलता है। तो देखिए गाइस कई बार क्या होता है, कई बार रीबैलेंस अपडेट के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहां पे कैपिटल माइंड का मेरे पास में ईमेल आया हुआ है स्मॉल केस की तरफ से कि आपका जो कैपिटल में मोमेंटम है उसमें इस वीक के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द करंट पोजीशन विल कंटिन्यू टू होल्ड गुड फॉर द नेक्स्ट वीक, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं करना। इसके अलावा आप एक और यहाँ पे मेरा ईमेल देख सकते हैं जिसके अंदर वीकेंड इन्वेस्टिंग का मेरे पास में अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग ना कमेंट लिख के रखते हैं कि ऐड आपको अशोक लीलैंड और सुपीरियर फार्मास्यूटिकल ये आपको ऐड करने और रिमूव करना है ऑरो फार्मा और इंटरेक्चुअल्स और इग्नोर इंक्रीमेंटल चेंजेस, मतलब सिंपल सा एक मैसेज लिख के रखते हैं। फिर जैसे आप अपडेट के ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा स्मॉल केस का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो जो चेंजेस होंगे अपने आप वो सारे के सारे आपको वन क्लिक के ऊपर करके देता है। चेंजेस कैसे करने इसके ऊपर ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। इस तरह से यहां पे स्मॉल केस के अंदर रीबैलेंसिंग होती है। रीबैलेंस का सिंपल सा मतलब आप समझ के रखिए कि बस जो भी उस स्मॉल केस के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी को उस जो भी उस जिसने भी एडवाइजर ने उस स्मॉल केस को यहां पे बनाया है वो सिंपली यहां पे उसको रिव्यू करता है। रिव्यू करके ये चेक करता है कि वो जो थीम बेसिस पे जो स्मॉल केस बनाया है, मान लीजिए स्मॉल केस में जो स्टॉक्स है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है या फ्यूचर के अंदर खराब होने वाली है या कि उनके जो स्टॉक प्राइस है वो यहां पे क्रैश होने वाले हैं, तो वो फटाफट आपको रिमूव करने के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देता है। सेम काइंड ऑफ थिंग मान लीजिए कोई भी स्टॉक से अगर उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है या कोई उसके अंदर ग्रोथ होने वाली है तो वो सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल केस के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। गाइस हमेशा आपको जो भी स्मॉल केस आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके हमेशा लास्ट रिव्यू डेट हमेशा आपको चेक करनी चाहिए। अगर स्मॉल केस काफी पुराना है तो ध्यान रखिएगा स्मॉल केस को जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लास्ट रिव्यू डेट आने दीजिए, उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।